फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल T2M। मैं ममता। आज हम बना रहे हैं चीज़ पास्ता। तो कैसे बनाना है उसको, वो भी बिना चीज़ और बिना किसी वाइट सॉस के। देखते हैं आप कैसे बनाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमने पास्ता बॉईल कर लिया है, इसमें थोड़ा सॉस मिला लिया था। ये मैंने पेने पास्ता और स्पाइनल दोनों ऐड कर रहे हैं इसमें। दोनों को बॉईल कर लिया है, इसको हम अलग रखेंगे। अब हम एक कढ़ाई में ये बटर डालेंगे। इस पास्ता की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें ना तो हम चीज़ डालेंगे ना हम इसमें वाइट सॉस बनाएंगे। इसमें हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे कि ये चीज़ी और क्रीमी बनेगा। और वो क्या है वो हम आपको बताते हैं। अब इसमें डालेंगे चॉप्ड गार्लिक। ये हमने लंबा लंबा काट के इससे प्याज लंबा लंबा काटा है प्याज ये डालेंगे। इसको थोड़ी देर भूनेंगे। अब इसमें हम लंबा लंबा कटा हुआ ये शिमला मिर्च डालेंगे। ये हमने इसमें जो मैंने बोला सीक्रेट इंग्रेडिएंट वो ये है कि हमने इसमें 3-4 चम्मच मलाई ली है और इसमें 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल डाला है। दोनों को ब्लेंड कर दीजिए और इसको हम इसमें डालेंगे। हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें थोड़ा काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, और सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट थोड़ा हिसाब से डालना क्योंकि हमारे पास्ता में ऑलरेडी सॉल्ट है। अब हम गैस को ऑन कर देंगे और अब हम इसमें अपना बॉइल पास्ता डालेंगे। अब ये सब हमें अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, आपका जो पास्ता है वो सूखा सूखा नहीं होना चाहिए, उसमें हल्की सी ग्रेवी होनी चाहिए, वो तब ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सूखा सूखा है तो उसमें आप थोड़ा सा मलाई क्रीम या फिर थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं। सीजनिंग और मिर्च वगैरह टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप टेस्ट कर लो, अगर कम या ज़्यादा है तो और भी ऐड कर सकते हो। अच्छा, आप इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हो जो मैं कभी कभी करती हूँ बट आज मेरे बच्चों को नहीं खाना। इसमें हम थोड़ा सा केचप भी ऐड कर सकते हैं, उससे एक अलग ही फ्लेवर आ जाता है। तो ये हमारा वाइट चीज सॉस पास्ता रेडी है। अब आप इसको सर्व कीजिए, गर्मा गर्म कीजिए अपनी फैमिली के साथ। आपको कैसा लगा खाके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ऐसी और भी बहुत सारी रेसिपीज़ और हेल्दी टिप्स और एक्सरसाइज और फैशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो उसकी वीडियोज़ देखना ना भूलें। थैंक यू।